हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने जा रही हूं कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए 3 योगासन। बहुत अच्छे योगासन हैं। अगर आप इन्हें करते रहेंगे डेली तो आपको कमर दर्द नहीं होगा, या हो रहा है तो पहले देखिए बढ़ सकता है क्योंकि आप उसको वर्क दे रहे हैं, वो एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन आपको 4-5 दिन बाद से उसमें रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले देखिए तीनों उल्टे लेट के आसन हैं। अगर आप ऐसे भी उल्टे लेटते हैं तो आपके कमर में कमर दर्द में फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे जनरल कोबरा पोज भुजंगासन। ब्रीथ इन, आप दोनों हाथ चेस्ट की साइड में रख लीजिए, पांव ऐसे डाउन रहेंगे आपके, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ब्रीथ इन अप, इसमें स्टे कीजिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ब्रीथ को यहाँ आउट कर दीजिए और धीरे धीरे से नॉर्मली सांस इन आउट करते रहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं तो ब्रीथ को रोक के रखिए और जब आपकी सांस छूटने लगे तब आप डाउन आ जाइए। ब्रीथ आउट, इसको कम से कम आपको 5 बार करना है और 3 बार रिपीट करना है, यानी टोटल 15 टाइम्स करना है। देखिए ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। अब इसके बाद इसी जैसा एक और कर लीजिए। देखिए हाथ ऐसे लॉक कर लीजिए और यहां रख लीजिए। अब आपको उठना है, ब्रीथ इन अप, हाथ पूरा आपके स्ट्रेट हो जाना चाहिए जब तक आपको उठना है। ये कहलाता है मकरासना, क्रोकोडाइल पोज। ब्रीथ आउट, डाउन। फिर से देख लीजिए, इसमें भी सांसों का क्रम वही रहेगा। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो ऊपर जाके सांस को छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मली इन आउट करते रहिए। अगर आप नॉर्मल हैं, हार्ट की आपको कोई बीमारी नहीं है, तो सांस को रोक के रखिए, जब सांस छूटने लगे तब आप वापस नीचे आ जाइए। ब्रीथ इन अप, सांस को रोक के रखिए, सामने देखिए। ब्रीथ आउट, डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपको 5 बार करना है, 3 बार रिपीट करना है, यानी टोटल 15 टाइम्स करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आज से पहले आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, तो आप 5-5 से शुरू कीजिए, सिर्फ 5 बार कीजिए, ठीक है? उन्हीं तो आपको 3 बार रिपीट करना है, 15 टाइम्स करना है। अब नेक्स्ट इसमें देख लीजिए अर्धशल्भासन। देखिए दोनों हाथ इसमें थाइस के नीचे चले जाएंगे आपके, स्ट्रेट होके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, वो सिर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा और एक पैर आपको उठाना है सीधा स्ट्रेट करते हुए। घुटना सीधा रहेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा और ऐसे सामने देखना है, डाउन। अब ये वाला पैर अप, डाउन, फिर ये वाला पैर अप। 1 by 1 कर लीजिए, इसमें आपको कम से कम 15 सेकेंड से 1 मिनट तक स्टे करना है। बिगिनर से 15 सेकेंड्स करते रहते हैं 1 मिनट तक, फिर ब्रीथ डाउन। इसमें ब्रीथ इन आउट नॉर्मली चलने दीजिए, अप, डाउन। 5 टाइम्स इस पैर से, 5 टाइम्स इस पैर से, और फिर रिपीट कर लीजिए, मतलब दोनों पैरों से आपको 15-15 टाइम्स करना है। अब आप बैठ जाइए 3 आसन करके। देखिए बहुत सारे आसन बनते हैं हर चीज के, लेकिन मैं कम कम बताती हूं ताकि आप लोग कर पाए, ज्यादा याद रखने में भी दिक्कत आती है इसलिए। अब आप सिर्फ एक प्राणायाम कर लेंगे दर्द के लिए, जो बहुत अच्छा है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपकी बॉडी को ठंडा गर्म का बैलेंस करता है, प्लस पेन किलर का काम करता है। जिस जगह पे आपका पेन हो रहा है वहां पे ये आपके पेन को दूर करेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप बाहर के पोर्शन में जैसे ठंडे और गर्म की सिकाई करते हैं
तो वो पार्ट आपका मजबूत होता है और उस पार्ट में दर्द खत्म हो जाता है। अनुलोम विलोम आपके अंदर जाके बॉडी में वही ठंडे गर्म की सिकाई करता है जिससे आपका बॉडी का वो दर्द चला जाता है। तो देखिए दो फिंगर्स यहाँ, जैसा कि मैं बताती रहती हूँ हमेशा, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड होती है जिसे मालिश करना जरूरी होता है। वो बहुत सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, तो जो है वो सारे ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है ताकि वो हार्मोन्स का सही तरीके से सीक्रेशन कर सके। तो इसलिए यहाँ पे आप दो फिंगर्स रख लीजिए, एक अंगूठे से ये वाला बंद कर लीजिए और ये रिंग फिंगर से इसको बंद कर लीजिए। अब ये एक को हटाइए, रिंग फिंगर को, इधर से सांस लीजिए, ब्रीथ इन, एक सेकेंड लीजिए, दो सेकेंड तक सेंटर में रोकिए और तीन सेकेंड तक दूसरे छिद्र से आउट कर दीजिए। अब जिधर से आपने एक्सहेल किया है उधर से ही एक सेकेंड लीजिए, टू सेकेंड सेंटर में होल्ड, थ्री सेकेंड अदर नोस्ट्रिल से एक्सहेल। एक दो तीन का क्रम चलेगा, एक सेकेंड लेना है, दो सेकेंड रोकना है बीच में, तीन सेकेंड आउट करना है। फिर जिधर से आउट करी है आपने, एक्सहेल किया है, सांस को बाहर किया है, उधर से ही आपको इन करना है, दो सेकेंड तक यहाँ पे रोक के रखना है और तीन सेकेंड तक इधर से एक्सहेल कर देना है, आउट कर देना है, ठीक है। अब अगर आप हार्ट पेशेंट है तो यहाँ पे दो सेकेंड ना रोके, हार्ट पेशेंट ऐसे करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उनको सेंटर में नहीं रोकना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं दोनों के लिए बताती जाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिनके मदर फादर पेटर्नल मेटर्नल दोनों तरफ किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो लोग भी सांस को रोकने का अभ्यास कम करें क्योंकि हार्ट मतलब उनका बहुत ज्यादा उसकी नसें फैलती हैं और सुकड़ती हैं, आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, जो आपने नाम सुना होगा, धमनी और शिराएं, तो उनको स्टेबल नहीं करना है। सांस रोक के जब आप रोकते हैं सांस लेके तो वो स्टेबल होती हैं, तो नहीं, उनको ब्लड का अवरोध नहीं चाहिए, उनमें ब्लड प्रवाहित होते रहना चाहिए, तो इसलिए सर्कुलेशन उनका बराबर चलते रहना चाहिए, इसलिए उनको सांस ना रोकने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था बैक पेन के लिए, कोई सा भी बैक पेन हो आपको, अपर बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, L4 L5 वाला हो, साइटिका का दर्द हो, सबके लिए वाली तीन एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको, तीन आसन बहुत अच्छे हैं, करते रहिए, मेरी चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।